Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हमारी आज टॉपिक है मॉक ड्रिल। हम आज जानेंगे कि आखिर मॉक ड्रिल होता क्या है। फायर और सेफ्टी डिपार्टमेंट में मॉक ड्रिल का क्या रोल है, क्या योगदान है। तो एक्चुअली फायर और सेफ्टी डिपार्टमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट में मॉक ड्रिल का अहम योगदान इसलिए माना जाता है कि हम इससे यह जान पाते हैं, यह आत्म आकलन कर पाते हैं कि हमारे अंदर किसी भी दुर्घटना को लेकर कितनी अलर्टनेस है, हम कितने प्रिपेयर्ड हैं किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए, उससे उभरने के लिए। एज लाइक इंडस्ट्री हो, वर्क प्लेस हो, या सैनिक हो, या किसी भी, या नेचुरल डिजास्टर हो, उससे हमें बचने के लिए हमने क्या क्या तैयारियां कर रखी है। हमारी जो टीम है, रेस्क्यूअर टीम है, टेक्निकल टीम है, मैनेजमेंट टीम है, और जो मॉक ड्रिल की एक इमरजेंसी रिस्पांस प्लान की जो टीम बनती है, उसमें जो जो लोग हैं, फायर फाइटर हो गए, फर्स्ट एडर हो गए, इमरजेंसी कंट्रोलर हो गए, इन लोग ये क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से निभा पा रहे हैं कि नहीं, यह आकलन करने के लिए हम लोग प्रत्येक महीने मॉक ड्रिल का एक रोल प्ले करते हैं। ये एक शॉर्ट फिल्म की तरह होती है, इसमें एक रोल अदा किया जाता है, कैजुअलिटी दिया जाता है, और बाकी जितने भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान में जो भी टीमें होती हैं, जिसकी जो भी दायित्व होती है, वो यह देखने के लिए कि क्या उस क्रिटिकल सिचुएशंस में वो अपनी रोल अदा कर पाते हैं कि नहीं, हम उस दुर्घटना से बच पाते हैं कि नहीं, और इस दुर्घटना के अंदर जो भी बचाव में कितने कम से कम समय हम ले पाते हैं जो हमारे लिए बेहतर हो। इसलिए आइए हम वर्क प्लेस पे चलते हैं और देखते हैं कि मॉक ड्रिल होता कैसे है और उसमें क्या क्या रोल है और कैसे निभाया जाता है। आइए अरे सुरक्षित मशीन बंद कीजिए, असेंबली पॉइंट पर जाइए। हेलो हेलो सुरक्षित मशीन पर बंद कीजिए और असेंबली पॉइंट पर। खाली मिट्टी रहती है तो फॉल पाते हैं, तो हमें बोल बोल ठीक है, वो ले रहा है उस तरफ से, तो हम और
अपना कोई भी आदमी ऐसा साइड पे बचा हुआ तो नहीं है जो किसी आदमी कोई कॉन्ट्रेक्टर का कोई भी आदमी बचा हो साथ वाला साथ उसको भी इन्फॉर्म कर देंगे ठीक है। और अचानक कभी भी भाग के वो रिजॉर्व से नहीं निकलना है कि हमको चोट लग गया या मशीनरी या इक्विपमेंट जो भी है सारे वो स्विच ऑफ करके रहना बंद करके ठीक है। एक बंदा गिरा है ये इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया वो इलेक्ट्रिशियन का नहीं फोन किया खुद वो चालू करने के लिए था थोड़ी शॉक लगा उस वक्त में हम लोग एम्बुलेंस कैसा रेस्क्यू करने का है आपका जैसा आप सच में लेके जो फर्स्ट एड रहा है कैसा आपके बच्चे का हॉस्पिटल ले गया ये पूरा एक प्लान है हम लोग आज जैसा किया होने का बाद भी किधर आने का कोई बता सकते है किधर आने का आवाज नहीं मिल रहा है जोर से ठीक है। असेंबली पॉइंट ये जो स्टील यार्ड के लिए ये एरिया है जो आप ही दे रहे हैं और एल एम सी एरिया के लिए अलग उधर प्रोवाइड किया वो एरिया पे जाने का ठीक है। और जब भी इलेक्ट्रिशियन कुछ भी प्रॉब्लम हुआ डायरेक्ट आप लोग इन्वॉल्व नहीं होना आपका जो उसमें ऊपर में कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा इलेक्ट्रिशियन का उनको फोन करे वो आके बंद करेगा ठीक है। तो आपको अगर भी कोई भी काम करना है तो इलेक्ट्रिशियन को इन्फॉर्म करो नहीं तो ये पोजीशन अपना हो सकता है मतलब अगली बार से अपने को इलेक्ट्रिशियन को इन्फॉर्म करना है और इलेक्ट्रिशियन ही वो काम करेगा नहीं तो अच्छे नहीं हो जाएगा। किसी को समझ में आया किसी को भी कुछ भी समझ में आया कैसा क्या हुआ अभी कि हम यहाँ पे आए हैं जैसा कि आप लोग को इंडक्शन में भी बाकी चीजों में बताया जाता है किसी भी आपातकालीन स्थिति में हमें कहाँ पे आना है नहीं चाहता इसीलिए जब भी आपको कुछ ऐसी सिचुएशन आए तो खुद काम नहीं करो जो उसका टेक्निकल टीम का बंदा है उसको बुला जो वो काम को हैंडल करता है उसको बुला ठीक है। अभी हम ये छोटा सा क्या किए हैं ये कोई रियल बेसिस पर नहीं था ये छोटा सा मॉक ड्रिल बोलते हैं क्या बोलते हैं मॉक ड्रिल ट्रेनिंग बोलते हैं। इस सिचुएशन में हम ये चेक करते हैं कि अगर रियली बेसिस पे वास्तविक में अगर ऐसी दुर्घटना हो जाए तो हमारी क्या प्लानिंग रहेगी हमारा एम्बुलेंस कितने टाइम पे आएगा हम कैसे बंदे को बचाएंगे बचा के उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे ये सारी चीजें हम मॉक ड्रिल में इंक्लूड करते हैं। इसीलिए हम आपको एक रिहर्सल एक नाटक करके दिखा रहे हैं कि कैसे हम क्या कर सकते हैं हमारा कितना अलर्टनेस है और हमारी क्या क्या प्लानिंग है अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसको निपटने के लिए हमने क्या क्या प्लानिंग ठीक है। इसका ध्यान रखें और सुरक्षा के साथ काम करें। आपको बताना चाहूंगा हमारा एक बंदा था इलेक्ट्रिकल पैनल डीबी के वहां पे है विदाउट परमिशन उसने क्या किया उसको काम की जल्दी थी इलेक्ट्रिकल में प्रॉब्लम आया उसका मशीन नहीं चल रहा था बिना किसी को इन्फॉर्म किए खुद अपना वो दिमाग लगा के टेक्नीशियन का काम करने लगा जबकि वो टेक्नीशियन नहीं है वो क्या है वो एक बारपेंडर है बारपेंडर को एक बारपेंडर का काम पता है ना इलेक्ट्रिकल वाले को इलेक्ट्रिकल का काम पता है इसीलिए हमें हम ये चीज बताया बोला जाता है कि आपको जो पता हो आप वही काम करो इसीलिए बोला जाता है आपको जिस काम के बारे में पता नहीं है।